भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक बयान ने एमपी में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं बोलूंगी कि तुम लोधी हो तो बीजेपी को वोट करो। मेरी तरफ से आप लोग राजनीतिक बंधन से पूरी तरह आजाद हैं। लोधी समाज अपना हित देखते हुए फैसला करे। राजनीतिक मझधार में फंसी भाजपा नेता उमा भारती शराब आंदोलन के जरिए अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। केस बीच उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उमा भारती का यह बयान भाजपा के लिए मुश्किलें साबित करने वाला हो सकता है। भोपाल में लोधी समाज के एक समारोह में उन्होंने कहा, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के लिए वोट मांगने आऊंगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी तुम लोधी हो, बीजेपी को वोट करो। मेरी तरफ से आप लोग राजनीतिक बंधन से पूरी तरह से आजाद हो। लोधी समाज अपना हित देखते हुए फैसला करे। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो। नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तुम ये सबको कहती हो कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। उमा भारती के इस बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता ने कहा, उमा जी का ये भाषण भाजपा द्वारा चुभाए जा रहे शूल का दंश है। चोरी के नेताओं के लिए आत्मीय कार्यकर्ताओं की इतनी उपेक्षा बताती है कि 2018 फिर रिपीट होगा, ये तय है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।